नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला में पहली बार अग्रवाल वैश्य समाज की महिलाओं की ओर से दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि अंबाला की प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेयर ने भगवान राम लक्ष्मण समेत सभी को टीका लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों की ओर से मेयर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि अंबाला में ऐसा पहली बार हो रहा है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर दशहरे के पर्व का आयोजन कर रही हैं, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हर साल रावण दहन तो किया जाता है, पर लेकिन असली दहन तब होगा जब हम अपने अंदर की बुराई को जलाएंगे, और वे चाहती हैं कि आज सभी लोग अपने अंदर की बुराई को भी जला दें, तभी सही मायने में रावण दहन होगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अनिता सिंगल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार उन्होंने ठाना था कि दशहरे का पर्व मनाएंगे और वहीं धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, आज बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तो हमारी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। जो ये मर्दों का क्षेत्र था, जहां आदमी हमेशा रावण को जलाते थे या वो ऑर्गेनाइज करते थे, आज इस शहर की महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया है और इन्होंने कार्य संपूर्ण किया है, तो ये बधाई के पात्र है। बहुत ही अच्छा कार्य किया है, मैं बहुत सराहना करती हूँ अग्रवाल समाज की, वैश्य समाज की, जिन्होंने ये एक नई प्रथा शुरू करी है। आज के दिन की सबको ही पता है आज का महत्व क्या है। देखिए, प्रभु राम के जो आचरण थे, अगर हम सब रोज हम रामायण सुनते हैं और बैठ के हम पाठ भी करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, पर उन सब चीजों को अपने जीवन में भी हम अगर उतारें तो वो सार्थक होता है। तभी उसका फायदा है जब हम अपने जीवन में उनकी जो प्रभु राम के जो लक्ष्य थे, या उनकी सोच थी, या उनका जो अवतरण था, वो अगर हम अपने जीवन में उतारें तभी हम संपूर्ण हो पाते हैं। और मन में जो क्रोध, लोभ और लालच और सब बुराइयां जो हमारे हैं, अब देखिए उन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग के वो निकल गए थे। ठीक है, हम मानव इंसान है, हम सब कुछ त्याग नहीं सकते हैं, पर लेकिन जो हमारी बुराइयां हैं, कोताहियां हैं, वो तो हम छोड़ सकते हैं और लोगों की, समाज की, समाज में लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो हम ये दहन हर साल करते हैं, पर हम हर साल ये अपने आप से वादा करते हैं कि हम सब नहीं करेंगे, पर हम लौट के घर जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। पर हर वक्त हम जैसे रोज नहाते हैं, इस तरह से हम रोज इस चीज को याद करें, बुराइयों को छोड़े, अच्छाइयां अपनाएं, चाहे एक ही अच्छाई क्यों ना हम अपनाएं, वो भी बहुत सार्थक होती है। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जितना भी कोई अपना थोड़ा थोड़ा त्रुटियां छोड़ सके, उस पर जरूर अपना काम करें। मैडम, ये तो हमारी अग्रवाल वैश्य समाज महिला मंडल की तरफ से हमने उठाया था कि हमने दशहरे का पर्व बनाना है। कहते हैं कि दशहरे के पर्व सबसे बड़ा रावण तो हमारे अंदर है, जो कि वो क्या बुराई होती है। अगर हम अपने अंदर के रावण को खत्म कर देते हैं कि कभी भी कोई भी इंसान कभी भी दुखी नहीं जा सकता। कहते हैं कि ठीक है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। अगर आप धर्म की तो तभी जीत होगी ना, जब अपने अंदर के रावण को हम मारेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।